आज ना सब बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा हमारा बहुत बढ़िया है पता बढ़िया इसका नहीं मेरा अपलोड ही नहीं करी किसी ने न्यूज वीडियो कहाँ से छुरा हूँ मैं अब जो बच्ची खुची नहीं हो तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है यार मतलब न्यूज पता क्या है अर्जुली बट अर्जुली का मतलब साथ जो हुआ है एग्जैक्टली वो दिल्ली में हुआ पश्चिम बिहार में एक बंदे की ठनक गई क्यों किसी की पड़ोसी में कुत्ता था उसने उस पर भौंक दिया तो बंदा घर पे गया रॉड लेके आया और कुत्ते को मारने लग गया आदमी को पीटा औरत को पीटा और बेटे का तो सर फाड़ दिया लड़के का सर फाड़ दिया साले ने मैं कहा जब हम बच्चे थे तो हमें सिखाया गया डॉग इज मेंस बेस्ट फ्रेंड ये कौन सा बेस्ट फ्रेंड है बे मतलब पहले सोसाइटी में कुत्ता नहीं रख सकते थे अब अपने घर में कुत्ता नहीं रख सकते गली में चलेगा गाय चलती रहे उसको पूजेंगे कुत्ता नहीं रहना चाहिए बिल्ली हक के जाएगी उसकी स्मेल सूंघेंगे कुत्ता नहीं रहना चाहिए अबे अरेस्ट करना चाहिए यार इस पे तो जैनू रे अबे कुत्ता लिटरली बोल मुझे नहीं मालूम तुमने वीडियो देखी नहीं देखी मैं दिखाऊंगा भी नहीं लिंक पे दे दूंगा हाँ पे दो दे दूंगा तो उसके सर पर मारता वो जमीन पर पड़ जाता है यार एक मिनट तक होश ना था उसको मैं सोचा मर गया फिर थोड़ी देर बाद गैस इज बैक बैक अगेन चेडी इज बैक कुछ भी वहाँ बर्गर किंग वाले मजे ले रहे हैं साले स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल भी कर देते हैं मतलब एक वीडियो वायरल जा रही है जहाँ पे ऋतिक रोशन अपने क्या कहते हैं ब्रांड से निकलता है और स्टूडियो में जा रहा होता है तो फोटोग्राफी को बोलते हैं फोटो खिंचवा लो तो उसे एक जगह पर खड़ा करते हैं और फिर पीछे बर्गर किंग का पोस्टर लगा देते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं था बेशर्म आदमी झूठा आदमी साले स्क्रिप्टेड वीडियो है नेचुरल एक्टिंग करी है सबने बट बैकग्राउंड वॉइस भी सुधार लेते एक ही आवाज को रिपीट किया जा रहे सालों इतना खर्चा किया थोड़ा उसमें भी कर लेते मेरे को लगता ना बर्गर किंग ओवररेटेड है सही बता रहा हूँ मैं बर्गर किंग हो या बर्गर सिंह हो दोनों ओवररेटेड है जिनको बर्गर सिंह नहीं मालूम तुमने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं असली बर्गर ना बर्गर का आता है रेडी पे साला एक तो अब रेट चेंज कर दिया 20 रुपये का बर्गर कर दिया सालों ने हमारे टाइम में हमारे भाई साहब डीडिया जाता था हम लोग एक बर्गर वाला था स्कूल टाइम से हमारे और जब तक हम कॉलेज में थे या मैं जॉब पे था तब तक वो था अब नहीं है अब हटा दिया साले को बट 5 रुपये का बर्गर देता था और यार मस्त बर्गर बनाता था डेली का हिसाब से डेली उतने दूर चल के जाना है बर्गर खाने के लिए टुटा मारते हुए पकड़ लिया था भाई ने वहीं पे मतलब हम मारते हुए बर्गर खा रहे थे इतने में भाई उसके दोस्त आ गए मुँह में धुआं संदीप महेश्वरी से संदीप महेश्वरी वाली वीडियो तो नहीं है बट सौरभ जोशी ने व्लॉग अपलोड कर दिया जो उन्होंने शूट किया सचिन उनके साथ तो एक छोटी सी क्लिप पे देख लो यार वीडियो 8 मिनट तो करनी है चुराने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा सर कैसा लगा सेशन करके कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा मैं सही से बोल रहा था मैं बहुत सही बोल रहे थे सही नहीं बहुत सही बोल रहे थे और आप एक्टिंग ज्यादा करते हो कि मैं नहीं बोल सकता ये वो बहुत अच्छा बोल आपने सर ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया नहीं तो मैं फर्स्ट टाइम किसी स्टेज पे आया था स्टार्टिंग में डर लग रहा था लेकिन जैसे ही मैं सर के साथ में बैठा बहुत कंफर्टेबल बहुत अच्छा लगा और पूरी फैमिली यहाँ पे है तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पूरी फैमिली के साथ में संदीप महेश्वरी के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी संदीप भाई साहब फिर से गुस्सा हो गए हैं प्रखर पे प्रखर के परिवर्तन क्या नाम है इसका जो भी था प्रवचन प्रखर के प्रवचन तो अभी वो कहीं गया हुआ था तो उसने इंडियन फ्लैग ओढ़ रखा था और फिर शैंपेन पी रहा था उस पर संदीप महेश्वरी गुस्सा हो गए कि इंडियन नेशनल फ्लैग कोड का अपमान है हमारी जान है शान है ये हमारा फ्लैग है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो दारू पी रहे हो शर्म नहीं आती तुम्हें हैं बेहद बेगैरत CLWL तो एक बार क्लिप देख लो फिर मैं बोलता हूँ या देखो ये सब ना इंडिया में ही ज़्यादा चलता है फॉरेन वाले लेजिट वो अपना फ्लैग प्राउडली पहनते हैं और दारू भी पीते हैं अब तुम तो उसमें कल्चर घुसेड़ दो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है वो चीज़ तो अलग चीज़ है बट वो इंडिया में नहीं कर रहा है और कहीं से भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा है अगर तुम दारू को ही लेके बैठो तो पता नहीं क्यों होगा बना रखा है सब पीते हैं बनाना हम तो नहीं करते हम शरीफ यही हो तुम फिर अलग वही है ना कि गाली सब देते हैं हाँ तू गाली दी तू गलत इंसान लड़कियां सब ताड़ते हैं अच्छा तूने लड़की ताड़ी गलत इंसान पार्लियामेंट में बैठ कर पॉर्न देख लेंगे फिर पॉर्न को ही बैन कर देंगे क्या बकवास है ये एज एन ओपिनियन मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है आपकी ओपिनियन है बट मेरे को लगता है उसने कुछ गलत किया है शैंपेन पी के और फ्लैग तोड़ के
अगर वो पैर वैर मार रहा होता या आग लगा रहा होता या डिसरिस्पेक्टफुल वे से कर रहा होता तो मैं मानता कि हाँ ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ गलत है तो फिर 15 अगस्त 26 जनवरी देख लो घर से निकल के कितने फ्लैग जमीन पर पड़े रहते हैं, किस किस को बोलते फिरोगे आप? या तो पहले रूट कॉज सुधार लो फिर इसको बोलना। ये तो तुम अपना पर्सनल ग्रज निकालने का मौका ढूंढ रहे हो बस और कुछ नहीं, बट ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। बाकी दीपक जोशी के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि उसने सौरभ जोशी को एक्सपोज किया था, तो अब उसी वीडियो पे उसको हेट आने लग गई है सौरभ जोशी के फैंस की तरफ से, जिस पे उसने रिएक्ट करते हुए ये बोला दोपहर 11:30 के आसपास, तो वो जो भी थी भैया थी बहन जी थी, पर हाँ उनका कमेंट बहुत तगड़ा था भाई। उनने क्या लिखा होता है, अगर सौरभ जोशी के खिलाफ आगे से कुछ बोला ना तो सीधा मर्डर। ये सब CLWL वाले हैं। अबे मैं अभी सौरभ जोशी की वीडियो देख रहा था भाई, मैं देखते कैसे हो तुम, ये कैसे देखा जाता तुमसे, मेरे से ना देखा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ मैं ऐसी ब्लॉगिंग तो नहीं कर सकता, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकता बट अबे यार दोस्तों मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं अनलॉक कर रहा हूँ फ़ोन को, मेरा पासकोड है 101960 और मैं ट्विटर पे आ चुका हूँ दोस्तों। ये देख रहे हैं ट्विटर खोल रखा है, ये मैक्स फ्रेंड ने कुछ ट्वीट किया हुआ है, माई लिवाई इज मोर कूल देन योर BTS। ड्रामा करना चाह रहा ही है दोस्तों, अबे हर एक छोटी चीज जो दिख रही है वो चीज अनाउंस कर रहा तू, कमेंट्री क्यों डाल रहा भाई, अब दिख रही है मुझे। हम संदीप महेश्वरी के पहुंच चुके हैं, अभी हम नीचे सेशन खत्म हो गया, माइक उतार रहे हैं, फिर हम नीचे जा रहे हैं, गाड़ी उठा लेंगे, फिर संदीप महेश्वरी सर के ऑफिस जाएंगे। क्या ना फिर सीढ़ी से उतर रहा, वो भी बता रहे हाँ हम सीढ़ी से उतर नीचे जा रहे हैं, अब तो सीढ़ी दिख रहा है मुझे नीचे जा रहा तू। बहुत सी CLWL गुस्सा हो गया, हाँ दे दो डेथ थ्रेट, में पढ़ता भी नहीं कमेंट आजकल साले, आधे से ज्यादा कमेंट तो दो ही तीन कमेंट होते हैं, एक तो डिसअपॉइंटमेंट वाला है कि नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट, और डेड जनरल है भाई 5 लाख कब होंगे और 411 हो गए, 411 ही है ना अभी, हाँ कल परसों तक हो जाएंगे 410 फिर से। साला मेरे को इतनी टेंशन नहीं जितनी लोगों को टेंशन है सब्सक्राइबर लेके, वीडियो एंजॉय करो यार, पक्का ही कमेंट आएगा क्या एंजॉय करो, एंजॉय करने वाला कोई काम तो करता नहीं तू, तो क्या क्लीवेज दिखा दूं अपने, दिखा दे भाई चल ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ट्रिगर्ड इंसान के बारे में बात करिए, तो ट्रिगर्ड इंसान ने जो वीडियो बनाई थी पायल जोन के ऊपर, मतलब पायल जोन के ऊपर, वो डीमोनेटाइज हो गई है, जिस पे थोड़ा अपसेट हो गए ट्रिगर इंसान, लग तो वैसा ही रहा क्योंकि वीडियो डीमोनेटाइज होना गलत बात है, तो उसने वही चीज़ शेयर करी ट्विटर पर और बोला कि मुँह काला करा लो ट्विटर सॉरी यूट्यूब। ये नहीं बोला है मतलब कि पायल जोन इतने लोगों को डिफेम कर दिया, इतनी वीडियो बना दी मेरे ऊपर तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, मैंने कर दिया तो वीडियो डीमोनेटाइज होगी, ऐसा कुछ करके करके कहा है। क्या मेरी वीडियो अभी बहुत दिनों से डीमोनेटाइज नहीं हुई है, कर दो यार ये वीडियो तो कर ही दो। मत करो बे, इस महीने मैंने छुट्टी नहीं मारी ना, हाँ इस महीने कंसिस्टेंट रहना है। अबे सेकंड चैनल पे आज वीडियो आ जाती बट सुबह मैं उठा ना तो फिर मेरे को नींद आ रही थी तो मैं अंडे खा के सो गया फिर से, तो एडिट नहीं की मैंने, कल पक्का करेंगे, फूड रिव्यू कर रहे कल सेकंड चैनल पे सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट खाते हुए करना, गोटे की बात कर रहे हम लोग किसके पता चल जाएगा। अभी लिंडसे लोहान ने शादी कर ली यार, देखो बचपन में क्रश था उस पर, बट न्यूज़ ये नहीं है कि उसने शादी कर ली, न्यूज़ ये है कि उसने लड़के से शादी करी है। साला लास्ट टाइम मैंने सुना था तो उसने कहा था कि मैं लेस्बियन हूँ, अभी M&M भी परेशान था यार, M&M को भी पसंद थी, साला अंग्रेजों का ठीक है बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं मल्टीपल शादी कर रहे हैं एक से कुछ नहीं जावे तू आवे। अभी ब्रिटनी स्पीयर्स ने भी शादी कर ली है, उसके साथ बच्चा भी कर रही है। बाकी डॉक्यूमेंट्री मूवी पे कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है एक, पता नहीं कौन सी फिल्म है बट तो कोई डॉक्यूमेंट्री या डायरेक्टर था तो उसने कोई फिल्म बनाई, तो उसमें जो काली मार्क का पोर्ट्रियल था उसे सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, मेरे दिल से नवाज भाई निकले उस औरत के लिए लीना करके नाम है उसका, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे तू सिचुएशन नहीं देखेगा पूरे देश भर में क्या चल रहा है, तो बस क्या होना था, हिंदू सेंटीमेंट हर्ट हो गए केस मार दिया। बाकी सैड न्यूज है, कुल्लू में एक बस गिर गई, पता नहीं कितने लोग मरे, कोई 10 कह रहा कोई 11 कह रहा कोई 19 कह रहा कोई 20 कह रहा, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। पीटर ब्रोक करके था एक बंदा 97 साल का, तो वो उनका देहांत हो गया। ये बंदा फेमस है महाभारत को प्ले बनाने के लिए, स्टेज प्ले थिएटर। बाकी पद्मश्री तरुण मजुमदार जी का देहांत हो गया 91 एज पे, भगवान ने इन सबकी आत्माओं को शांति दी और मुझे भी शांति दे। पता नहीं कौन ऑफेंड होने वाला है जोक पे, बट डबल मीनिंग तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मुझे भी चाहिए शांति,
किसको नहीं चाहिए शांति? शांति सुन रही हो? आ जाओ वरना मैं भी लिख दूंगा 10K नोट पे शांति पे वफाए। पता चला आज कमेंट आ गया था भाई मैंने क्या किया, मैं तो भाई मांगती थी। अब घर है अपलोड, पता ये टाइम अपलोड करने का क्या है? कुछ भी नहीं है। काय का वीडियो अपलोड किया सर? हर्ष बेनीवाल वाली न्यूज है। अबे हर्ष बेनीवाल किसी पॉडकास्ट में गया था तो वहाँ पे वो पेपराजी के बारे में बात कर रहा था, जो जानने की जरूरत नहीं तुम्हें। हमारे पीछे कौन सा कैमरा लेके आने वाला कोई? बस सब्सक्राइबर लोग ही आ जाते हैं भैया तो एक CLWL। चलो खत्म कर रहे हैं इसी नोट पे। अगर एंजॉय कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया तो क्या, जाओ बर्गर खाओ, बर्गर समोसे खाओ, यहाँ पे मैं तुम्हें खिलाऊंगा तुम्हें लगता है। चलो बाय।